ब्रेन मैपिंग शब्द दिमाग में आते ही खोखा का ध्यान जहन में आ जाता है, लेकिन मुंबई में इन दिनों आम लोग अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ठीक करने के लिए ब्रेन मैपिंग का सहारा ले रहे हैं। देश में पहली बार हो रहे इस टेस्ट से आदमी को उसकी कमजोरियों का पता चलता है और उसके आधार पर वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। मुंबई की ऋषिका मूलचंदानी एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनके बॉस अक्सर इनसे नाराज रहते हैं क्योंकि ये बॉस के मन माफिक काम नहीं कर पाती। जाहिर है इनकी इस कमजोरी के चलते अक्सर इनके बॉस इन्हें डांट देते हैं, लेकिन जब ऋषिका ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में सुना तो वो तुरंत कॉलिन से मिलने पहुँच गयी। थोड़ी सी बातचीत और न्यूरोसाइंस पर आधारित एक क्वेश्चनेयर भरने के बाद जब ऋषिका का ब्रेन मैप तैयार हुआ तो पता चला कि ऋषिका का दोस्ताना अंदाज ही उनका दुश्मन है। वो जल्दी लोगों को दोस्त बना लेती हैं, लिहाजा लोग उन्हें हल्के में लेते हैं और वो लोगों से काम नहीं करा पाती। आपको अभी फोकस करना चाहिए आपके इन ट्रेड्स पे जहां आप अग्रेसिव हो जाएं, जहां आप भी अपना यू नो फुट डाउन कर लें। आप कह दें कि नो दिस इज व्हाट यू आई वांट इट विद इन वन वीक, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मुझे अभी मेरे सिचुएशंस पे ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है। ब्रेन मैपिंग कराने के बाद जैसे ही ऋषिका को उसकी कमजोरियां पता चली उसने उन पर काम करना शुरू कर दिया है और अब उनके बॉस हमेशा खुश रहते हैं। इस ब्रेन मैपिंग के जरिए लोग अपनी क्षमता और कमजोरियों का सही आकलन करके पता लगा सकते हैं कि किस वजह से उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में गड़बड़ी चल रही है। It helps businesses understand the true capability of the workforce and to help people to develop their strengths. This is important at a time when India is one of the fastest growing commercial parts of the world, and to match that growth we have to develop the skills of the people to help them to deal with that. ब्रेन मैपिंग की इस तकनीक को करीब 15 साल पहले ब्रिटेन में इजाद किया गया था, लेकिन भारत में इसे 6 महीने पहले ही लाया गया है और अभी ये तकनीक ज्यादातर कॉरपोरेट जगत में ही लोकप्रिय है। प्रियदर्शन, मुंबई आज तक।